सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय राम जी की। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखते रहो। या टाइम हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे और किसान पिछले 3 महीना से ज़्यादा से आंदोलन कर रहे हैं। लगातार नई नई चीज़ें आंदोलन से लेकर के सामने आ रही हैं। कल हमने आपको एक खबर दिखाई जहाँ में साइकिल रैली की तैयारी चल रही, लेकिन आज कछु हट के दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको दिखा दें, दिखाओ जरा, मैं कैमरामैन देखूंगा कि एक बार दिखाएं। ये जो आप देख रहे हो यहाँ तप भी चल रहा है, यानी कि तपस्या, और जो तपस्या कर रहे हैं इनको नाम है जगपाल सिंह, सरूरपुर बागपत के रहने वाले हैं। और इनके तप को जो मतलब है वो सीधो सीधो ये आगाज कर रहे हैं कि सरकार संभले और ऊपर वालों भगवान इनकी सद्बुद्धि दे इन्हें और इनमें समझ आवे कि ये आंदोलन को समझें। किसान पिछले 3 महीना से ज़्यादा से यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार सड़कों पे बैठे हुए हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं इनकी बात को समझे। अब बहुत सारे लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं, हम इनते आपकी मुलाकात करवाएंगे और इनते पूछेंगे कि आखिर वजह क्या है। सबसे पहले हमारे संग नौजवान हैं विकास, विकास चौधरी। नमस्कार जी। हाँ विकास जी। हाँ जी। युवा बताओ। हाँ जी। यो ये तपवारो कार्यक्रम हमने गांव में तो देखो कि जब बारिश बारिश ना आए करेगी तो तप करे करेगा, जो है इंद्रदेव खुश है जाएंगे। हाँ जी। लेकिन यहाँ जो तप को मतलब है ये क्या है, या बताओ। ये तो देखो तप तो सबका ही है, लेकिन मैं जगपाल जी का कहूँगा, इनका बहुत ज़्यादा तप है, हर चीज़ में इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के वो है। ये पीछे लंगर भी चला रहे हैं अपना, और ये अपने हाथों से खाना बनाते हैं, अपने हाथों से तवे की रोटी बनाकर खिलाते हैं लोगों को। और अभी इन्होंने 11 दिन का प्रण लिया है कि 11 दिन ये यहाँ तपस्या करेंगे। अच्छा, लगातार 11 दिन तक बैठेंगे? लगातार 11 दिन तक ये तप करेंगे बैठ कर, और ये भी तभी चल रहा है कि लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को बुला के लाते हैं, भाई अपने हाथ से खाना बना के खिलाते हैं। देखो हम भी लंगर चला रहे हैं, हमने कारीगर रखे हुए हैं, लेकिन ये अपने हाथों से खाना बना के खिलाते हैं सबको। और ये जो तप है ये इसीलिए है कि भाई भगवान से बढ़ के तो कुछ नहीं है भाई, ऐसी गर्मी में तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा गर्मी तो है जी। अब किसान है, सब किसान तो गर्मी सर्दी सब सहन करता है। अब तो ये एक मैसेज है सरकार को, ये एक मैसेज है कि जो सरकार चाह रही है ना कि यहाँ से किसान उठ जाए, डर के चले जाएगा, तो नहीं डरेगा। ये देख लो कि इतनी गर्मी में भी यहाँ बैठ कर तप कर रहे हैं, तो मोदी जी आके दिखा दो हमें यहाँ 15 मिनट बैठ के, नहीं बैठा जाएगा। बहुत बड़ी बात कह दी विकास जी ने कि सरकार को कोई भी मंत्री आके और ऐसी गर्मी में यहाँ बैठ के दिखा दे आग के बीच में। और ये जो है हमारे जगपाल जी, ये 11 दिन तक तप करेगा यहाँ पे, कोई भी अपने आप को मानता हो यहाँ पे 15 मिनट बैठ के दिखा दो ऐसे गर्मी में। और वो भी ये देख लो कि धोने लगे हुए हैं, और अभी कम है, ये धोना बढ़ता चले जाएगा, पहले दिन कम होता है, ये हर दिन ना ये इसमें एक एक गोसा जो उफड़ा है मतलब वो बढ़ता चले जाएगा, जो गोसे हैं ये बढ़ते चले जाएंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे जितने ज़्यादा गर्मी भी और गर्मी बढ़ेगी। और गर्मी आप देख रहे हो, गर्मी वैसे बढ़ रही है, रात को भी इतना टेम्परेचर है कि रात को भी पसीने आ जाते हैं, और अब तो दिन है धूप है वैसे भी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। लेकिन किसान किसी भी सूरत में जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं हो जाते और MSP पे लिखित में गारंटी नहीं होती, तो यहाँ से किसान नहीं उठेगा। हम यही कहेंगे कि मैसेज वीडियो जो देख रहे हैं, मोदी जी तक जाए और देखे कि देखो कि किसान कैसे अपनी बात पर अड़ा हुआ है, और अड़ा ही रहेगा। और मोदी जी ये बात मान लो, इसी में भलाई है आपकी, सबकी भलाई इसी में है। जगपाल जी जो बैठे हुए हैं तप में, तो इनका ये खाने पीने का, जब तक खाना पीना भी नहीं ग्रहण करेंगे ये तो खाना पीना तो बाद में ये वो होगा, थोड़ा फल फ्रूट खा लिया वैसा करेगा, वैसा नहीं करेंगे ये, जब तक अन्न का सेवन नहीं करेंगे, मतलब अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। नहीं जी, ये तप में ऐसे ही बैठे रहेंगे, ये तप में ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा जो है कितने 11 दिन की है ये? 11 दिन की प्रतिज्ञा है इनकी। अच्छा अच्छा। और देखो जो भी होगा, जैसा लंबा चलेगा, जो भी चलेगा वो है, लेकिन हमारे पास दोबारा आएंगे, थोड़ा सा इंतजार करो, और भी लोग हैं इनकी, इनसे भी बात कर लें। हाँ जी, आपको क्या नाम है? मेरा नाम मालू है जी। कहाँ के रहने वाले हो? बागपत के गांव सरूरपुर के। यहाँ कितने दिन हो गए? यहाँ 3 महीने हो गए जी। जगपाल जी के गांव के? हाँ जी, हाँ जगपाल जी के गांव के ही है जी। इनका जो तप करने का उद्देश्य है वो क्या है, किस वजह से ये तप कर रहे हैं? ये कृषि कानून के उस पर उद्देश्य है जी, ये बिल वापिस हो। अच्छा।
मतलब जो भगवान कहीं ना कहीं सद्बुद्धि दे सरकार इनकी किसानों की बातों को सुने। हाँ जी ये तो सुनिए आपने, जो भी जतन है सके किसान पे वह जतन कर रहे हैं, अब सरकार कम मानेगी ये तो वक्त की बात है। किसान अपनी मांग पे लगातार अड़ो हुआ है और जा रही है, कुछ और लोग हैं इनते आपकी बात करवा में। आप अपना नाम बताओ। परवीन है जी, मेरा नाम परविंदर। परवीन हाँ जी। अच्छा कहाँ के रहने वाले? सरूरपुर के जी। अच्छा सर, सरूरपुर के ही? हाँ जी, जगपाल जी। हाँ जी वहाँ के है। अच्छा तो आप जब ये बैठे हैं यहाँ जो है क्या नाम है तप पे बैठे हैं, तो कुछ खा पी के बैठे हैं? खाना पीना कुछ खा के बैठे हैं या ऐसे? नहीं जी कुछ नहीं खाया। अच्छा कुछ नहीं खाया? नहीं। तो बड़ा केड़ा काम है या तरीका थे, धूप में बैठने तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी ऐसे बैठे गए 11 दिन, लोग कुछ भी नहीं खाए गए। अच्छा 11 दिन तक? हाँ जी। भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कुछ खाओगे पिएगे नहीं? मतलब सीधी बात है, कुछ नहीं खाएंगे 11 दिन तक इसी तरीके से तप पे लगातार बैठे रहेंगे। और भी लोग हैं हमारे संग, आओ इनसे भी आपकी बात करवाएंगे। नौजवान है, आ जाओ नज़दीक को, आ जाओ, हमारी केबल कम पड़ रही है जी। कोई बात। क्या नाम है आपको? कपिल चौधरी। कपिल चौधरी, आप कहाँ के रहने वाले हो? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। अच्छा बुलंदशहर के रहने वाले हो, कौन सी जगह के बुलंदशहर? ग्राम उगरसैन। अच्छा अच्छा, आप भी आंदोलन में आए हुए? हाँ जी। कितने दिन हो गए? हमें तो अभी ज्यादा दिन ही हुए, 15-20 दिन हुए हैं। अच्छा 15-20 दिन हुए हैं। तो ये जो किसानों की जागृति है, जैसे सबसे पहले पंजाब में आई, फिर क्या नाम है हरियाणा में आई, फिर पश्चिम में, धीरे धीरे पश्चिम में आई, तो आपके यहाँ जो जागृति है ये बाद में आई? हाँ थोड़ा सा, थोड़ा हम मानते हैं कि और प्रदेशों को हटके थोड़ा हम पीछे रहे हैं, पर अब आप बराबर कंटिन्यू है। सब बुलंदशहर के कितने सब किसान ही है उधर ज्यादातर में? तो किसान तो हैं। आंदोलन में कितने किसान आ रहे? आंदोलन में काफी हैं, 50% किसान इधर ही आने वाला, उधर भी है कुछ। हाँ कुछ उधर है, सिंधु बॉर्डर है। अच्छा अच्छा ठीक। आप बताओ आपके क्या नाम है? अमित चौधरी। कहाँ के हो जी अमित आप? बुलंदशहर के। अच्छा आप भी बुलंदशहर से? यस। तो मतलब पूरी टीम है बुलंदशहर की? यस। अच्छा मतलब बिल्कुल अडिग हो जब तक किसान कृषि कानून वापस ना होंगे, जब तक नहीं जाओ? नहीं जी है? बिल्कुल यहीं रहना है। सरकार तो मान रही? सरकार मानेगी क्यों नहीं, कहाँ मानना, मानना पड़ेगा। अभी तो मानी ना रही है सरकार, तो यूँ कह रही है कि बहुत फायदे के बिल हैं और किसान जो खामखा की जिद कर रहे हैं और मुट्ठी भर किसान है, तो यो क्या नाम है जो सरकारी काम चल रहे हैं, तो यूँ कह रही है मुट्ठी भर हैं। मुट्ठी भर कैसे हैं आके देखे ना यहाँ सरकार, सरकार यहाँ आके देखे मुट्ठी भर है। भारत की आवाम जानती है 80% किसान है भारत में, ये जो आंदोलन कर रहे हैं कि मुट्ठी भर है, किसानों का काम भी है सारे आंदोलन, जब सारे आंदोलन था पूरा भारत को चक्का जाम कर दिया जाएगा। काम जाम चल रहा है, गन्ने की चलाई चल रही है, प्लस में कुछ काम वाम भी बंग... किसान अपने काम भी लाया भी तैयार हो गया है, उसकी भी कटाई चल रही है। किसान अनवे केस भी है रहे, डरना लगे जी? क्या मतलब डरने से? डरने से क्या मतलब, फांसी तो दे देगी सरकार, कोई दिक्कत नहीं है, फांसी खाने को तैयार हो लेकिन वापस नहीं जाओ? नहीं। सुनिए आपने, फांसी को भी तैयार हैं वापस नहीं जाएंगे। चलो हमारे संग एक और हैं, इनसे मालूम करें। आप बताओ आपको क्या नाम है? मेरा नाम राजीव कुमार है जी। अच्छा आप कहाँ से हो? सरूरपुर कला। अच्छा आप सरूरपुर से हो, जगपाल जी के गांव? जी जी जी। अच्छा अच्छा, मतलब कृषि कानून पर वापस जाने को कोई मतलब ना? नहीं जी, खाली हाथ नहीं जाओ? खाली हाथ नहीं जाएंगे, इस पर गारंटी चाहिए। बिल्कुल कृषि कानून वापस? बिल्कुल ही बिल्कुल, दृढ़ संकल्प है। दृढ़ संकल्प है बिल्कुल। आपने दृढ़ संकल्प है, घर से बोल कहे कि इस कानून को खत्म करवा के आओगे ना यहीं रहेंगे? घर बोली आए? बोली आए जी। ऐसे तो ना घर में लड़ाई झगड़े हो? नहीं कोई ऐसे नहीं है, घर वालों ने कह दिया तुम फ्री हो हमारी तरफ से, खेती का जो है नौकर कर रहे, घर में और आदमी आएंगे वो कर रहे। मतलब आप यहीं जमे रहोगे? बिल्कुल जी। सुनिए आपने, बिल्कुल जमे हुए हैं, जब तक कानून वापस नहीं, जब तक घर वापस नहीं। एक बार हम आपको दोबारा ये दृश्य और दिखा दें जो तप कर रहे हैं जगपाल जी। जगपाल जी महाराज जो तप कर रहे हैं, देखो इतनी भरी धूप में सड़क पे, गरम सड़क है और हवा भी अब तो गरम चल रही है, और चारों तरफ को उपले लगा के और वो जला के, और देखो तप पे बैठे हुए हैं। और ये जो तप है इनका, ये पूरे 11 दिन इनको तप है, 11 दिन तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। एक मैसेज है सरकार के नैया और भगवान के लिए, एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है भगवान से, निवेदन मतलब कि किसी भी तरीके से
कृषि सरकार की जो है बुद्धि को खोले, किस सरकार को जागृत करे जो वो किसानों की समस्या को सुने। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, जैसे ही नई अपडेट होगी आपके सामने हाजिर होगी। जय राम जी की। सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।